Dear students, I am Rupali ma'am, computer trainer. Welcome my YouTube channel, Year 1 Computer Classes. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो आपको नए नए वीडियो यहाँ पर अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम बात करते हैं बर्ड पैड में नंबरिंग और ब्लड्स का यूज़ कैसे करते हैं, बर्ड पैड में मैथमेटिक के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं और केमिस्ट्री के फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बर्ड पैड विंडो का पार्ट होता है जिसको हमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है. बर्ड पैड की रन कमांड बर्ड पैड होती है, विंडो प्लस आर से हमने प्रेस किया है बर्ड पैड, इसकी रन कमांड होती है, ओके कर लिया. ठीक है, इसको हमने यहाँ से मैक्सिमाइज कर लिया. ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में मैं आपको बता दूं कि ब्लड्स क्या कहाँ मिलते हैं आपको, कैसे लगाए जाते हैं, और नंबरिंग भी कहाँ मिलती है, कैसे लगाई जाती है. सबसे पहले आप यहाँ पर रिबन में देख लीजिए, पैराग्राफ लिख रहा है. इस पैराग्राफ में आप में तीसरे नंबर पर आप पे क्लिक करना होगा. नन का मतलब है यहाँ पर कोई ब्लड्स और कोई नंबरिंग नहीं. ठीक है, नन मिस कुछ भी नहीं लगाएंगे आप. ठीक है, फिर आगे आपको दे रखा है ब्लड्स. ब्लड्स होते हैं आपके पॉइंट में, ब्लड्स होते हैं. ठीक है, ये आपकी नंबरिंग है, ये स्मॉल लेटर में है, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर. ठीक है, ये कैपिटल लेटर में, ये भी आपकी रोमन संख्या है. ठीक है, नॉर्मल वाली, और ये भी आपकी रोमन संख्या होंगी. ठीक है, अब आपको लगाना कैसे है ये आपको चॉइस करना होगा. जैसे हमें ब्लड्स लगाना है तो ब्लड्स पर हमने क्लिक कर लिया और एक ब्लड्स हमारा आ गया. ठीक है, ब्लड्स में आने के बाद हमने कोई क्वेश्चन टाइप कर लिया, जैसे What is your name? ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया, ओके एंटर प्रेस किया. अब आपने एंटर जैसे ही प्रेस किया, दूसरा ब्लड्स आपका तैयार है. ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके ब्लड्स इसी टाइप से चलते रहेंगे, आप कितने भी क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से नंबरिंग भी लेनी है तो नंबरिंग भी हम यहाँ से ले सकते हैं. यहाँ पे क्लिक किया हमने और हम यहाँ से नंबरिंग ले लेंगे. ठीक है, वन आ गया, वन में अब हम क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है हमें, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लिख गया. ठीक है, अब आप एंटर पर प्रेस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका लिखने के लिए तैयार है. ठीक है, इस प्रकार से हम ब्लड्स और नंबरिंग का यूज यहाँ से कर लेते हैं. अगर आपको रोमन संख्या चाहिए, रोमन पर क्लिक कीजिए, आप आपकी रोमन संख्या आएंगी. ठीक है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम. ठीक है, एंटर को प्रेस कीजिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाकर. ठीक है, रोमन संख्या आपकी तैयार है. इस प्रकार से हम रोमन संख्या, ब्लड्स और नंबरिंग का यूज हम कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें इसको यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, कट करना है तो कंट्रोल एक्स से कट कर दीजिए. ब्लड्स आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और नन कर दीजिए, कोई भी ब्लड्स आपका नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर आपको यहाँ से मैथमेटिक्स में H2O वगैरह लिखना है, या केमिस्ट्री में लिखना है आपको H2O, मैथमेटिक्स में आपको कोई फॉर्मूला वगैरह लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स लिखा आपने और टू लिखा. ठीक है, टू को आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, एंटर लगाइए. अब अगर आपको केमिस्ट्री में H2O लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम H लिखेंगे, H2O. ठीक है, इसको आप यहाँ से 2 को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि 2 नीचे आएगा, सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये H2O टाइप हो गया. ठीक है, अगर आपको कलर करना है तो कलर में लिख सकते हैं, कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लीजिए और कलर में इसको लिख दीजिए.
ठीक है, अगर इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको साइज बड़ा करना है साइज भी हम यहाँ से क्लिक करके साइज को हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, 24 का लिया या 26, 28, अगर आपको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, एरियल कर लीजिए, एरियल हो गई। ठीक, अगर आपको यहाँ से अपने टेक्स्ट में आपको स्पेस देना है तो कितना देना है स्पेस, से ये लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको कितनी देनी है, डेढ़ की देनी है या दो की देनी है, दो की स्पेस देंगे आप तो इस टाइप से आएगा ये, अगर आप डेढ़ की देंगे डेढ़ की बिल्कुल नॉर्मल रहती है, आप डेढ़ की दीजिए। ठीक है थैंक स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।